पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज यहाँ हॉकी सीरीज का ये दूसरा दिन जहाँ पे आज का दूसरा मैच खेला जाएगा। ये मैच है मुल्तान डिवीजन और रावलपिंडी डिवीजन के दरमियान। मैच शुरू हो जाता है और मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में है फॉर्मर ओलंपियन एशियन गोल्ड मेडलिस्ट स्पिनर तौसीक इरफान। आपको वेलकम करते हैं। तौसीक अरशाद, आपको वेलकम करते हैं जी। शुक्रिया अली भाई, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। आपने जो है जी, मैच का आगाज हुआ चाहता है रावलपिंडी और मुल्तान के दरमियान। होप्स हो गए ये बड़ा अच्छा मैच होगा। अभी तक मिडफील्ड में ये खेल हो रहा है और यहाँ अब रावलपिंडी की टीम आई थी हमला करने के लिए। गेंद मिल गई रावलपिंडी के सेंटर फॉरवर्ड को, डी में दाखिल हुए, उन्हें रोकने की कोशिश की गई। ये मुशीर खेल आ गए हैं पंजाब के वहाब रियाज, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और ये फॉर्मर ओलंपियन है, उनके साथ तौकीर डार। और मुल्तान की टीम अपने लेफ्ट फ्लैंक से अटैक कर रही है और बाल रावलपिंडी के सर्कल में एंटर हो चुकी है। ब्लंडी कॉर्नर बनाने का बहुत अच्छा मौका था, लेकिन वो भी पाकिस्तान कलर है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। और दूसरी टीम है जो रावलपिंडी, उसमें भी जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों की टीमों के प्लेयर हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ ये सफ़ीर जो हैं उनके पास गेंद और यहाँ से उन्होंने अच्छा क्रॉस किया था लेकिन कनेक्ट नहीं कर सके। हो चुके हैं हारिस रऊफ आ गए। यकीनी तौर पर ये रावलपिंडी की टीम की सपोर्ट पे आए होंगे, ये उनके साथ शादाब खान भी हैं क्योंकि इनका ताल्लुक भी रावलपिंडी से है, तो ये हौसला अफजाई के लिए आए होंगे पिंडी डिवीजन की हॉकी टीम की। और ये अच्छा मौका है रावलपिंडी के पास गोल स्कोर करने का। पहला हम देख चुके हैं छह टीमों के पहले एक्शन में, आज ये मुल्तान और रावलपिंडी आमने सामने। ये क्रॉस लगाने की कोशिश की लेकिन राह में रुकावट बने दिफाई खिलाड़ी, तो अभी तक स्पेस इनको मिल नहीं रही ये डी में जा सके। तो बताइएगा नया टैलेंट भी आपने देखा है। अख्तर साहब लॉस एंजलस के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और भी नसीरा साहब हैं वहाँ से, बड़े बड़े नामी ग्रामी प्लेयर्स आते रहे हैं। और उसके अलावा अभी तक जो मैच चल रहा है, जो मुल्तान की टीम है वो ज़्यादा डिफेंसिव हो चुकी है। इसके साथ साथ एक बड़ा अच्छा अटैक किया मुल्तान की टीम ने लेफ्ट साइड से। अभी तक जो मैच चल रहा है दोनों टीमों ने कोई पेनल्टी कॉर्नर नहीं हासिल किया। मेरे ख्याल से जो टीम पेनल्टी कॉर्नर लेगी उसको काफ़ी ज़्यादा चांसेस है गोल स्कोर करने के। आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, एक मरतबा फिर उनके पास मौका है, पास दिया अपने राइट आउट को और वहाँ से ये पेनल्टी कॉर्नर मिल गया। गोल कीपर हालांकि ज़्यादा खुश नहीं है अंपायर के फैसले से, उठा सकते हैं रावलपिंडी के खिलाड़ी। गेंद को फेंका गया, रोका गया और ये सीधा गोलकीपर के पैड से टकराई और डिफ्लेक्ट होकर बाहर चली गई। इस तरह यहाँ पर तकरीबन एक मिनट का खेल बाकी रह गया। ये रावलपिंडी ने फिर से हमला किया, गेंद को डी में लेकर दाखिल हो गए और वहाँ से गोल करने में कामयाब हो गए। नहायत ही शानदार अंदाज में ये गोल स्कोर किया रावलपिंडी की जानिब से। और ये अली जो हैं वो स्कोरर हैं, गेंद को आगे बढ़ाना चाहते थे लेकिन सफ़ीर रास्ते में हायल हो गए। वो डॉज देने में कामयाब हुए दो खिलाड़ियों को और उसके बाद उन्होंने ट्राई की लेकिन उनकी हिट खासी कमज़ोर साबित हुई। जी हाँ, पहला हाफ इख्तिताम को पहुंचा, रावलपिंडी की टीम को 0 के मुकाबले में एक गोल की बढ़तरी हासिल है मुल्तान डिवीजन के खिलाफ इस पंजाब हॉकी चैम्पियनशिप में। ये खेल का वो दौरानिया है जिसमें कमेंटेन करना होगा पेंडी को। रावलपिंडी की टीम ने पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया है और यहाँ पे रावलपिंडी मेरे ख्याल से उनके पास एक अच्छा मौका है कि वो अपने लीड को डबल नहीं कर सके इसको कैपिटलाइज, लेकिन दोबारा पेनल्टी कॉर्नर हो गया जी। उन्होंने अपने लेफ्ट साइड से अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं और बॉल अगेन रावलपिंडी ने बड़ा अच्छा इंटरसेप्ट किया रावलपिंडी के डिफेंडर ने। अच्छी ड्रिबल है और अच्छा अटैक होगा और ये एक अच्छी ओपनिंग मिली है जोरदार हिट लगाने की कोशिश, लेकिन गेंद स्टिक से लगने के बाद फिजा में बुलंद हुई और गोल लाइन के ऊपर से बाहर चली गई। ये ज़बरदस्त प्रेशर है इस क्रिटिकल जंक्शन पर और ज़ाहिर है कि एक कामयाबी हासिल हुई है
पुश करने वाले उस पॉइंट पर हैं जो कि मुतय्यन होता है। कमज़ोर पुश थी, डिले हुआ, लेकिन डिले जो है वो ज़ाहिर है कि वो अपनी जगह, लेकिन अच्छी इंटरसेप्शन मुल्तान की। और अब जल्दी से दोबारा गेंद को हासिल कर लिया है मुल्तान के फॉरवर्ड ने। अच्छी ड्रिबलिंग, अच्छी कहना होगा कि एक कशमकश थी इस दौरान राइट साइड से अटैक करते हुए मुल्तान के फॉरवर्ड, और ये अहम मौका होगा। अच्छी ड्रिबल थी, लेकिन गेंद का जो कंट्रोल है वो खो दिया। अच्छी ड्रिबलिंग, अच्छा कंट्रोल भी था, लेकिन इन द एंड गेंद डिस्पोजेस हुआ। तो मुल्तान की टीम है जी, बॉल मुल्तान के पास, उनके सेंटर फॉरवर्ड के पास बड़ा अच्छा मौका गोल करने का, लेकिन वो इसको मिस कर गए। सर्कल में एंटर हो जाती है, उसमें जो रिसीविंग है ना जी, वो बहुत ज़रूरी है। जो क्रिकेटर हैं और जो स्पोर्ट्स के पैटर्न हैं, वो उनको बड़ा सोशेबल होना पड़ता है। वो ज़ाहिर के खेल में, और मुल्तान के जो गोलकीपर हैं ये पिवटल रोल प्ले करेंगे, उनको बड़ा विजिलेंट रहना होगा। और ये बड़ा क्रूशल वक्त है, ये प्लेंटी कॉर्नर बड़ा अहम होगा। गेंद रुकी, पुश, और गोल के ऊपर से बाहर चली गई। जी बिल्कुल, रावलपिंडी की अभी तक बड़ी अच्छी डिफेंस रही है। अब मैच के तकरीबन लास्ट ऑलमोस्ट 5 मिनट्स रह गए हैं, उसमें मुल्तान क्योंकि 1-0 से हार रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो अब मैक्सिमम अटैकिंग हॉकी खेलें। अच्छी इंटरसेप्शन, और गेंद को क्लियर किया, बिल्कुल क्लीन क्लियर किया पिंडी के डिफेंडर ने। आगे बढ़ते हुए अटैक करते हुए पिंडी के फॉरवर्ड, लेकिन पास सही तरीके से दे नहीं पाए, और गेंद को दोबारा हासिल कर लिया है, और नॉट बीन इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये मैच है मुल्तान वर्सेस पिंडी, एक शानदार काविश, और इसमें कामयाबी हासिल हुई रावल पिंडी को। जी बिल्कुल, उन्होंने गेंद बड़ा अच्छा अटैक किया राइट साइड से, और अपनी लीड को डबल किया, कन्फर्म किया, और अच्छी ड्रिबलिंग है। इन द एंड देखिए आगे बढ़ते हुए अपनी के अंदर दाखिल होंगे, लेकिन डिले कर दिया, लेकिन टॉप ऑफ द टी अच्छा पास दिया है, यहाँ पर ओपन जगह है, जोरदार कोशिश, लेकिन गेंद गोल पोस्ट से लगने के बाद बाहर जा चुकी है। लेकिन इस टाइम बाल मुल्तान के राइट आउट के पास, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से गोल को, बॉल को सर्कल में एंटर करने की। और कहना होगा कि जैसे जैसे वक्त गुजरा है, वैसे वैसे रावलपिंडी को ज़्यादा एतमाद हासिल हो रहा है कि वो एक जीत को सेंस कर सकते हैं, उसके काफ़ी करीब हैं। 40 सेकंड, बल्कि अब 40 से भी कम वक्त बाकी है, टाइम आउट देखना होगा। इस दौरान आगे बढ़ते हुए पिंडी के फॉरवर्ड लेफ्ट फ्लैंक से वक्त लेते हुए थोड़ा बैलेंस लूज़ किया, अच्छा इन पर दबाव डाल कर रखा मुल्तान ने, अच्छा खेल पेश किया, और ये कोशिश होगी, लेकिन इसमें मैं कहूँगा कि नाकाम हुए। ये एक ज़बरदस्त कोशिश हो सकती थी। जी बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त मौका था। जी हाँ, मैच भी ख़त्म हुआ, और आप ये देख सकते हैं वहाब रियाज़, अली यूनस, तारिक सईद, मिस्टर उमैर हमारी कमेंट्री बॉक्स के सामने खड़े हुए हैं। ये वो मनाजर हैं जो कि आप ब्राह रास्त पाकिस्तान टेलीविजन के नेटवर्क के देख रहे हैं। मैच खत्म हो चुका है, तो एक बड़ी कामयाबी मैं कहूँगा इन द एंड फॉर रावलपिंडी। बड़ा अच्छा खेल पेश किया, और एक बेहतर टीम ने एक बेहतर सबकत से इस मैच में कामयाबी हासिल की, लेकिन